जोशी बैंगलोर से, स्वागत है आपका। जी बताइए, क्या जानना चाहते हैं? जी मुझे अस्थमा की प्रॉब्लम है और 3 से 4 साल से जी। और मैं पंप वगैरह यूज कर रहा हूँ और बाहर जाता हूँ, डस्ट वगैरह थोड़ा रोड पर होता है तो उससे प्रॉब्लम होने लगती है जी। और अभी ट्रीटमेंट भी चल रहा है मेरा एलोपैथ का हॉस्पिटल से, बैंगलोर में एक प्रजापति हॉस्पिटल है वहाँ से, तो वहाँ से भी मुझे कोई खास रिलीफ नहीं है। एज कितनी तो है? मैंने 45 तो मैंने आपका प्रोग्राम देखा जी। तो मुझे थोड़ा सा बताइए कैसे ठीक होगी, बहुत परेशान हूँ मैं इस चीज को लेकर। अच्छा देखिए, बहुत ज्यादा बीमारी है जो आपने बड़े हॉस्पिटल्स में भी कराया, तो वो मैं एक दवा बताता हूँ, लेकिन उससे पहले कुछ शर्तें हैं, मेरी एहतियात है। अगर आप बाज़ार के बनी हुई चीज़ें खाते हैं, चिप्स हैं, ये जो चीज़ें मिलती हैं रेडीमेड, ये छोड़ दीजिए, खाने भी छोड़ दें। और देखिए, बेंगलोर वाले खट्टा बहुत खाते हैं, मेरा दौरा हुआ है बेंगलोर का, तो खटाई बहुत, खट्टा खट्टा सब कुछ होता है। ये खट्टा ऐसे मरीज को बहुत नुकसान देता है जो इस तरह से आप हैं। आपको खट्टी चीज़ नहीं खानी है, कोई भी खट्टी चीज़ मिजाज में ठंडी होती है, और कोई भी ठंडी चीज़ आप ना खाएं, कोई भी चीज़ खट्टी ना खाएं। 5-6 महीने लगातार इलाज करें, एलोपैथ भी साथ में रखें। यूनानी में इसका इलाज है माजून आर केयर। माजून आर केयर सुबह निहार मुँह 1 चम्मच, छोटा चाय का चम्मच गर्म पानी से, और रात को सोते वक्त। और आप सब गर्म चीज़ें खाया करिए, देसी को खा सकते हैं आप, नींबू लेंगे तो आपको नुकसान है, आप पपीता खा सकते हैं, लेकिन केला खाएंगे तो आपको नुकसान है। ठंडी चीज़ें कोई मत खाइए और लगातार गर्म पानी पीजिए। ठंडी प्रवृत्ति की चीज़ें रोक दीजिए 5-6 महीने के लिए, तो आपको फ़ायदा होना मुमकिन है।